तो जैसा टाइटल ब्रदर किरण ने बताया कि आप सेवक हो या उसके संतान हो. सो टुडेज टाइटल एज ब्रदर किरण हैज सेड इज आर यू अ सर्वेंट और अ सन ऑफ गॉड. सी ये मेरे जीवन में बहुत चेंज लेके आया. सो दिस हैज ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन माय लाइफ. जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ. When I realized that I am a child of God. लेकिन मैंने देखा कि ये चीज मुझे परमेश्वर के और करीब लेके आया. I have seen that this has brought me even more closer to God. मैं ये जानने लगा कि परमेश्वर का हृदय कैसा है, परमेश्वर का एक फादर हार्ट कैसा है. I started realizing that how is God's heart, how is God's father's heart. तो ये मेरे जीवन में एक चेंज लेके आया. आई होप, मैं विश्वास करता कि जब आप सुनोगे आपको एनकरेज मिलेगा. सो दिस हैज ब्रॉट अ चेंज इन माय लाइफ एंड आई बिलीव दैट व्हेन यू आल्सो हियर यू विल आल्सो बी एनकरेज्ड. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक हम यहाँ पर जो बैठे हैं वो सेवक ने उसका पुत्र बनकर जीने के लिए, ये परमेश्वर की इच्छा है. And God wants that each one of us sitting here should not be slaves or servants of God, but live as sons and children of God. हम देखते कि सेवक, जैसे कि मैं realize करता हूँ कि घर पे हमारे घर पे कोई नौकर है, वो सब कुछ काम करते हैं, but हमारा रिश्ता कोई नहीं उसके साथ. वो आएगा काम करके निकल जाएगा. And I realize that if we have a servant at home, they'll come and do all the work. But they'll not have any relationship with the family members. They'll just do their work and go. But एक पुत्र का ऐसा नहीं है. वो काम करेगा वो भी. But उसका हमारा रिश्ता है उसके साथ, relation है. But a son is not like that. He'll come, he'll do the work, and he'll not just only do the work, but there's a relation with the rest of the members. Hebrew chapter 3 में हम देखते हैं. इब्रानियों उसका 3 में. In Hebrews chapter 3 we see. 5. Verse 5. और छः कोई पढ़ पाएगा? Verse 5 and 6, can somebody please read it? हम यहाँ पर वचन में पढ़ते कि मोसेस, यू नो, परमेश्वर के करीब था. Yeah, we read that Moses was very close to God. और वो विश्वास योग्य था. And that he was indeed faithful. हम देखते हैं उसका, उसने कितना सारा मिरेकल हम देखते हैं उनके परमेश्वर उसके द्वारा किया. And we see that God did great wonders through him. But लेकिन लिखा है कि वो विश्वास योग्य था, ऐसे वो सेवक जैसा. And here we see that he was faithful as a servant. बट हम जीसस के बारे में पढ़ते आगे 6 में. एंड इन वर्स 6 वी रीड अबाउट जीसस. यीशु मसीह भी पुत्र के नाम से घर का अधिकारी था. दैट क्राइस्ट एज अ सन ही वाज ओवर हिज ओन हाउस. यीशु मसीह का जो बारे में बता रहे हैं वो पुत्र से रिलेशन कर रहे हैं. एंड व्हेन इट टॉक्स अबाउट जीसस इट्स टॉकिंग एज अ रिलेशन विद अ सन. और यहां पर दो हम डिफरेंट देख सकते हैं कि एक सेवक में और एक सन में, एक पुत्र में. And here we see two different things as a servant and as a son. और मैं जब बोल रहा हूँ, I think आपको समझ में आता रहेगा. And when I'm speaking, I hope you are understanding. कि वो उसने इतना सारा किया, but वो इस तरह से सेवा किया कि ये मेरा एक पुत्र के समान उसने किया. So he did many things, but he was faithful and he was faithful like a son. और मैं देखता हूँ कि, you know, हम उस मैच्योरिटी के अंदर हमको बढ़ना चाहिए कि प्रभु मुझे, मैं सेवक जैसा मुझे फील हो रहा है, बट मुझे पुत्र की ओर बढ़ना है. एंड वी शुड कम टुवर्ड्स दैट मैच्योरिटी वेयर वी से लॉर्ड आई एम फीलिंग लाइक अ सर्वेंट बट आई वांट टू मूव टुवर्ड्स बीइंग योर सन. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लुक में, लुक चैप्टर 15 में हम देखते हैं कि वहाँ पर उस एक बाप का दो संतान थे, जिसका हम यीशु मसीह वहाँ पर पैराबल देते हैं. Here we see in Luke 15, Jesus tells about a parable of two sons. और वो गुमराह पुत्र के बारे में बताता है. And he talks about the lost son. और हम देखते हैं कि उसमें लुक 15 उसका 18 से हम देखते हैं.
इन लुक 15 वर्स 18 वी सी, उसमें लिखा है वो जब उठकर, मतलब वो एक उसका छोटा भाई सारा संपत्ति लेकर उसका डैडी का लेकर निकल गया. Here we see the younger son took all the inheritance of his father and he went out. और हम देखते हैं कि उसका वो पूरा अपना जो पैसा जो धन दौलत लेके गया था पूरा वो लॉस किया, पूरा बर्बाद होके आ गया. And he had taken all the wealth and he had just lost it and squandered it. और आगे देखते हैं कि वो उसने याद किया कि मेरा पिता है, मैं अपना पिता के पास जाऊंगा. And he remembered that I have a father and I will go back to my father. और वो पिता के पास गया. And he went back to his father. और लिखा है. And here it says. उसने क्या बोला? उसने confess किया. उसने honestly confess किया. पर पिता, मैं पुत्र के लायक भी नहीं हूँ. और स्वर्ग और स्वर्ग के विरोध और तेरे विरोध मैंने पाप किया है. And here in verse 21 he confesses and he says God I'm not even he says Father I'm not even worthy to be your son and I've sinned against you and against heaven. और वहाँ पर देखते कि आगे जब पिताजी उसका बच्चे को देखता है वो इतना खुश होता है, इतना ग्लैड होता है कि मेरा बच्चा वापस लौट कर आया. And but when the father sees his son he was so happy and so glad that उसने ये नहीं पूछा कि मेरा धन जो तू लेके गया था वो क्या किया. And he never asked, see, you took all my money, what did you do with it? See, हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर का जो हृदय हार्ट है वो ये नहीं पूछ रहा है उसको कि तूने मेरे संपत्ति लेके गया था किधर, क्या किया उसको. Here we can see God's father heart and he doesn't ask what did you do with all my wealth. और उसके देखने के बाद उसको इतना खुशी मिला, इतना आनंद मिला, वो आनंद मना रहा था वहाँ पर. And he was so happy and so glad that he was he wanted to celebrate. और हम देखते हैं कि 22 में कोई पढ़ेगा 22 can someone read 15 what? उसका 22 में can someone read Luke 15 verse 22 और पांव में जूतिया पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाए और आनंद मनाए. 24 क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे. वो देख रहे कि वहाँ पर पिता आनंद मना रहे, खुशी मना रहे. क्या वहाँ पर देखते कि बैल या काट कर जो भी फूड बनाने का था एकदम खुशी का माहौल था. बट आगे हम देखते कि 26 में लिखा है कि उसका एक बड़ा भाई भी था. हम पढ़ेंगे उसके 26 में. Here first we see that father was very happy and he wanted to celebrate. But in verse 26 we see about the elder son. Verse 26. 25 में पढ़ेंगे. 25. परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना. yes. और उसने एक दास को बुलाकर पूछा कि क्या हो रहा है. उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया है. ये सुनकर आगे 28 ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा. यहाँ पर हम देखते कि पिता वहाँ पर पिता का हार्ट हम देखते कि वो कितना खुशी और आनंद मना रहा है कि मेरे बच्चा रिटर्न आ गया. बट उसका छोटा भाई जो सॉरी उसका बड़ा भाई वो उसको गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना टाइम में घर पे था, मैं अपना धन संपत्ति कुछ वेस्ट नहीं किया और पिता का मैंने सेवा करता रहा, बट मुझे उसके बदले में क्या मिला. आप जो मेरा छोटा भाई जो धन संपत्ति पूरा बर्बाद करके वापस आया. सॉरी Here we see the father heart of and how he was so happy that his younger son had returned, but the elder son he was so angry that I was at home and I was working hard and this younger son has squandered all the money and I have not received anything. लेकिन जो छोटा भाई आया उसके लिए तू इतना आनंद मना रहा, इतना एकदम पार्टी जैसा तैयार किया है, उसके अंदर एक गुस्सा आ रहा था उसको. So we see the elder son was angry that you are celebrating the younger son and you are throwing a party for him. See, हम कलीसिया में रह के ऐसा हो सकते कि हम सभी एक फैमिली जैसा रह सकते हैं, बट हम एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति नफरत हो सकता है. See, in church we may be seeing being together as a family, but we may be having jealousy or bitterness against one another. क्या हम कोई भाई परमेश्वर के अंदर आगे बढ़ रहा है
परमेश्वर उसको एनॉइंटिंग दे रहे, परमेश्वर उठा रहे, क्या हमारे दिल में वो खुशी आ रहा है? प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस भाई को आपने उठाया। क्या आपने इस तरह से कभी एक बार भी परमेश्वर को बोला, प्रभु इस भाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस भाई को उठा रहा, इस भाई को बुद्धि दे रहा आपको समझने के लिए? When we see one brother whom God is blessing and anointing, are we rejoicing for that brother? Are we thanking God for that brother? Saying thank you God for anointing this brother, for lifting him up. Are we happy for that brother? उसके बदले में या हमारे दिल में जलन या गुस्सा अच्छा लग रहा है कि इस भाई या आगे मेरे से कैसे आगे बढ़ गया? But instead of that, we will be having jealousy that how come this brother went ahead before me. और मेरे प्रिय भाई, मैं तुम पर पत्थर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तुम पर स्टोन नहीं फेंकना चाहता हूँ। And here I don't want to throw stones at you. क्योंकि मैं realize करता हूँ कि मैं ऐसा था। Because I have realized that I was like that. ऐसा मेरे अंदर जलसी था। Because inside me also there was this jealousy. But मैं honestly परमेश्वर के पास गया, प्रभु मेरे भाई के प्रति मेरे दिल में जलन है। I went honestly to God saying that God there is this jealousy towards my brother. और God ने मुझे माफ किया, परमेश्वर ने मुझे सिर्फ माफ नहीं किया, but उसने उसका अपना nature मुझे दिया। God forgave me and God gave me His nature. Nature ये दिया कि मेरे भाई, जब मेरा भाई परमेश्वर उसको उठा रहे, bless कर रहे, तो मैं आनंद मना सकूँ, क्योंकि पिता मेरा आनंद मना रहे, मेरे को कोई interest नहीं कि लोग क्या सोच रहे। So when God is lifting up my brother, I want to rejoice just as Father is rejoicing over me. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आनंद मना रहे, उससे ज़्यादा मुझे खुशी क्या कि मेरा पिता आनंद, मैं उसके अंदर मैं आनंद मनाऊंगा, ना कि मैं जलन या गुस्सा रखूंगा। Just as the Father is rejoicing over me, I want to be all the more joyful because God is joyful over me and I will not have any jealousy against my brother. वो बड़ा बेटा होने के नाते फिर भी उसके क्या है, वो पिता का जैसा पिता का हृदय को समझ नहीं पा रहा है। The elder brother, in spite of being the elder brother, he couldn't understand the father's heart. क्या हमारे जीवन में कोई डिमांड है कि अरे मेरे को इस तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है, मुझे मेरे साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, मेरे को मौका नहीं मिल रहा है कुछ चर्च में करने के लिए? डू वी हैव इन आवर फील bitterness in our hearts that I'm not getting this chance, I'm not getting this opportunity. mere priyo bhai, aap honest ho jao, parmeshwar ko bolo, lord main aisa hu, mujhe badlo. We need to come to God and say, God, I'm like this, please forgive me. aur main dekha ki parmeshwar ne mujhe badal diya, and I can see that God has changed me. parmeshwar ka aatma mere andar kaam kiya ki main yeshu masih ke jaisa aur pita ka hriday mujhe mile. And God has helped me to have the heart of Jesus and the heart that God's father's heart. aur parmeshwar ko janna, mere priya bhaiyo, jab parmeshwar ko hriday ko janne ka humko samajh mein aayega ki parmeshwar ka way of thinking bahut different hai hum jis tarah sochte hain. And as we come close to God, we'll realize that God's way of thinking is quite different from our thinking. aur main dekh raha hu ki jab main pita ka hriday ko jana, mere hriday mein ek rest aa gaya. When I learnt about God's heart, there was a rest that came in my heart also. और ये परिवर्तन आ गया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? And I was not bothered about what people think about me. इसके बारे में जो कोई इंटरेस्ट नहीं है. I am not at all interested about that. लेकिन मेरा पिता मेरे बारे में क्या सोचता है, ये बोल सकते कि मैं इससे अति प्रसन्न हूँ. Because it's important what God thinks about me, and I know that God is very happy with me. See, ये एक family में हो रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर. And this is happening in a family, not outside. एक दूसरे के प्रति wrong attitude. This wrong attitude against one another. और उस कोई बाय को हम देख रहे कि वो मैं इस तरह से देखने का कोशिश कर रहा कि परमेश्वर हमारे जैसे पिता को, जब पिता ने देखा उसका बच्चा आ रहा है, वो इतना खुशी और आनंद मना रहा था, गले लगाया. And I want to see it like this. Just the father, as the father saw the son, the moment he saw his son, he was so happy and he wanted to celebrate. मेरे प्रिय भाइयों, हमको भी ये nature हमको चाहिए परमेश्वर का. And dear brothers and sisters, we need that nature of God in us. हम एक दूसरे से प्रेम करें. That we should love one another. ये ना पूछे कि तुम्हारा secret life के अंदर क्या चल रहा है. We needn't be bothered what's happening. अगर सामने से बता रहे तो well and good, अच्छी बात है वो. सामने से अगर कोई बता रहे तो ठीक है. If somebody is coming and sharing with you by themselves, that's okay. लेकिन उस भाई से मैं प्रेम करूं, भाई कितना प्रभु ने उसको एक्सेप्ट किया है, वो भाई बढ़ रहे. But we need to love that brother, that how God has accepted him and how God he is growing in God. इस तरह से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया. And this way God has blessed me. मैं प्रभु को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. And I want to thank God for this a lot.
और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर, जब हम बच्चे हैं तो परमेश्वर तुमको आवाज़ भी देगा, जब तुम परमेश्वर के बच्चे भी हो तो परमेश्वर तुमको आवाज़ भी देगा। एंड व्हेन वी आर गॉड्स चिल्ड्रन वी विल हियर गॉड्स वॉइस। हिब्रू में लिखा है 3:8 में कि जब उसके तुम आवाज़ सुनोगे तो अपना हृदय को कठोर मत करो। In Hebrews it says that if you hear his voice, do not harden your hearts. और उस बात को सुनो और उस बात को करने का कोशिश करो। Listen to that word and try to obey that word. और हम देखते हैं कि रोमन्स में एक वचन मुझे जो ब्लेस किया, रोमन्स चैप्टर 8 में। In Romans 8 there's a verse. Romans chapter 8 उसका 14 14 Romans 8 verse 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 15 क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत होकर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। देखो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमको एहसास कराते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीक में मैंने ये प्रीच किया है कि चिंता मत करो, बट मैं लास्ट वीक में मैं टेम्पटेशन में था, मैं चिंता कर रहा था। And the Holy Spirit is the one who enables us to address God as Abba Father. And last week I preached about not worrying, and last week I was worrying. और मैं देख रहा था कि मैं खुद के बारे में सोच रहा था कैसा होएगा, चिंता ऐसा दिमाग में चल रहा था और मैं चिंता कर रहा था और मुझे पता है कि मैं चिंता कर रहा हूँ। And I was worrying कि how will it be done, and I knew, I realized that I was having worry inside. क्योंकि मैं देख रहा था कि महंगाई बढ़ते जा रहे हैं। I could see that things are getting costlier. और हम कैसे घर को मैनेज करेंगे? And I was wondering how will we manage our house. बहुत सारा thought में मेरा चिंता वाला thought आ रहा था। And there were many such thoughts that they were coming in my mind. और उस time पे परमेश्वर ने मुझे एहसास कराया कि विजय तो अपने बच्चे को देख। I think मेरे को परमेश्वर ऐसा बोल रहा था कि बच्चे को देख। And I think God was telling me that look at the children. कि वो लोग चिंता नहीं कर रहे। That they are not worried. वो लोग डिपेंड हो रहे तेरे पे। They are just depending on you. तो परमेश्वर मुझे ऐसा बता रहे कि तू मुझ पे डिपेंड कर, भरोसा कर। And God was telling me like this, like depend on me in that way. Philippians chapter 4:6 का वचन मेरे मन में आया। And Philippians 4:6 was a verse which came to me. किसी बात का चिंता मत करो। That do not worry about anything. हर चिंता की कुछ बात आती है तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना निवेदन करके हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। But in everything with prayer and supplication let your request be known to God. और मैं रेस्ट में आ गया। And that brought me to a place of और rest. और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए। And I want to thank God for this. मेरे प्रिय भाइयों, हम सेवक नहीं बट परमेश्वर के बच्चे के समान बच्चे हम। Brothers and sisters, in front of God we should be like children. हमको फील नहीं होगा, फीलिंग पे मत जाओ। Let's not go towards the feeling side. But ये विश्वास करो। But have this faith. और मेरे को परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए मेरे आँखों को खोला, ये चीज़ को मैं थोड़ा सा देख सकूँ। And I want to thank God that God opened my eyes that I be able to see this. और 18 में लिखा है। And in verse 8 it says. Romans 8:18 में। Romans 8:18. Sorry, 17 से पढ़ो। Romans 8:17. And if children. और यदि संतान है, तो वारिस भी है। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। ओके, यहाँ पर लिखा है कि यदि तू संतान है, मतलब तुम उसके संतान हो तो वारिस भी है। यू नो, यहाँ दो डिफरेंट चीजें हैं। Here it says that if we are children then heirs. So there are two different things. ये वचन मेरे को समझने के लिए हेल्प किया कि मैं संतान ही नहीं हूँ बल्कि वारिस है। किस चीज़ का वारिस?
here it says that I'm not just only a child but I'm also heir. Heir for what? ये वचन ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि जो मैंने यीशु को दिया वो मैं तुमको भी दूंगा. Here this verse is telling us that what Jesus, God gave Jesus, God is going to give us. जिस तरह मैंने तुम्हारे बड़े भाई को यीशु मसीह को सपोर्ट किया उस तरह मैं तुम सभी को मैं सपोर्ट करूंगा. Just as I supported the, your elder brother, that is Jesus. In the same. हम फेलो हेयर है, मतलब एक संगी है यीशु मसीह के संग, साथ में. Here and also we are co-heirs along with Jesus. और हमको परमेश्वर हमको अलग नहीं बता रहा, but यीशु मसीह के समान बता रहे. And the, God is not treating, going to treat us different. God और is going to. और ये मुझे बहुत ब्लेस किया. And this bless me a lot. मुझे किसी बात का चिंता या परेशान होने का जरूरत नहीं है. That I don't need to be worried about anything. और मैं पिता पे ट्रस्ट कर सकता हूँ. And I can trust God for that. कि मेरा कोई भी चिंता प्रॉब्लम है मैं परमेश्वर के सामने रखकर उसके रेस्ट में आ सकता हूँ. And that whatever worry or problem I have, I can keep it before God and be at rest. You know, हमको son हमको बनना चाहिए. परमेश्वर के राज में उसका पुत्र बनना चाहिए. So in God's kingdom we need to be His children. और मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह एक प्रार्थना जो गेत्सेमनी में करते हैं. And we see the prayer that Jesus prayed in the Garden of Gethsemane. You know, Peter और James, John वहाँ पर थे. And Peter, James and John also were there. मैं देख रहा कि उनका रिलेशन नहीं था, बट यीशु मसीह वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, हे अब्बा, फादर. They were not having the relation that Jesus had. Jesus was praying, Abba, Father. वो प्रार्थना कर रहे थे कि पिता, हे पिता, हे पिता. And Jesus was addressing God as Father, Father, Father. वहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को इच्छा नहीं था कि वो क्रूस पर जाए, वो डेथ से. Here we see that Jesus was not willing to taste the death on the cross. वो प्रे कर रहा था कि परमेश्वर ये कटोरों को हटाने. And he was praying, Father, if it is your will, remove this cup from me. और वो बोल रहा था कि प्रार्थना किया, but परमेश्वर ने नहीं हटाया. And he, Jesus kept asking, but Father, God didn't take away the cup. प्रार्थना के अंत में उसने ये बोला कि हे पिता, मेरा इच्छा नहीं बल्कि तेरा इच्छा पूरा. And at the end of the prayer, Jesus would always say, not my will, but your will be done. ये क्या सिखाता है? And what does this teach us? उसका इंटरेस्ट किधर है? Where is Jesus' interest? मेरा इच्छा नहीं, मेरे को पता है ये बहुत मेरे को नहीं चाहिए, मुझे मेरे को नहीं करना है तेरी इच्छा, मेरे को तेरे इच्छे के विरोध में मेरा इच्छा. But परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं बल्कि तेरा इच्छा पूरा हो. Here Jesus is saying, God, this is not what Father, this is not what I want to do, but my interest is not in my will, but to your in to do your will. ये पुत्र को दर्शाता है. Here it shows a son. और इस maturity में हमको बढ़ना है. And we need to come to that maturity. कि हमको पुत्र के समान सोच यीशु पिता का हृदय को देखना है कि पिता क्या चाहता है. That we need to see God's heart. That परमेश्वर क्या चाहता है. That what does God need? यहाँ पर मिलते हैं हम इसलिए नहीं कि हम किसी को खुश करें, बट सिर्फ परमेश्वर को खुश करें. परमेश्वर खुश होना चाहिए. We need to make only God happy. God should be happy with us. मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं सब चीज के लिए. I want to thank God for all these things. मेरे जीवन में किया. That what God has done in my life. और ये चीज मेरे जीवन में एक blessing लेकर आया. And this has brought in a rest in my life. Yeah, amen. Thank you.